दिवाली पर मथुरा के थाना राय क्षेत्र स्थित पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने 8 लोगों को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पटाखों की दुकानों को एकांत जगह पर लगाया गया है। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की परमिशन लेने के बाद दुकान लगाने का निर्देश था। दुकान में आग बुझाने के उपकरण रखने की भी हिदायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि दुकानों में उपकरण नहीं होने की वजह से भी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना में अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लोगों का कहना है कि दमकल विभाग की गाड़ियां अगर समय पर पहुंच जाती तो ये बड़ा हादसा होने से टल सकता था। दिवाली होने की वजह से बाजार में काफी चहल पहल थी। लोग पटाखों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। अचानक पटाखा बाजार में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को चपेट में ले लिया। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में हफरा तफरी मच गई। हादसे से दुकानदारों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। दिवाली पर मथुरा के थाना राय क्षेत्र स्थित पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने 8 लोगों को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पटाखों की दुकानों को एकांत जगह पर लगाया गया है। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की परमिशन लेने के बाद दुकान लगाने का निर्देश था। दुकान में आग बुझाने के उपकरण रखने की भी हिदायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि दुकानों में उपकरण नहीं होने की वजह से भी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना में अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लोगों का कहना है कि दमकल विभाग की गाड़ियां अगर समय पर पहुंच जाती तो ये बड़ा हादसा होने से टल सकता था। दिवाली होने की वजह से बाजार में काफी चहल पहल थी। लोग पटाखों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। अचानक पटाखा बाजार में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को चपेट में ले लिया। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में हफरा तफरी मच गई। हादसे से दुकानदारों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। दिवाली पर मथुरा के थाना राय क्षेत्र स्थित पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने 8 लोगों को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पटाखों की दुकानों को एकांत जगह पर लगाया गया है। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की परमिशन लेने के बाद दुकान लगाने का निर्देश था। दुकान में आग बुझाने के उपकरण रखने की भी हिदायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि दुकानों में उपकरण नहीं होने की वजह से भी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना में अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लोगों का कहना है कि दमकल विभाग की गाड़ियां अगर समय पर पहुंच जाती तो ये बड़ा हादसा होने से टल सकता था। दिवाली होने की वजह से बाजार में काफी चहल पहल थी। लोग पटाखों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। अचानक पटाखा बाजार में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को चपेट में ले लिया। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में हफरा तफरी मच गई। हादसे से दुकानदारों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।